हमीरपुर जिला के गलोड़ पुलिस चौकी में स्थानीय दुकानदारों ने एक प्रवासी दुकानदार पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, दर्जनों दुकानदारों ने पुलिस चौकी गलोड़ पहुंचकर नारेबाजी भी की। वहीं युवक को पकड़कर पुलिस चौकी गलोड़ लाया गया, जहां युवक ने भी आरोपों को माना है, जिस पर व्यापार मंडल के द्वारा आगामी 15 दिनों में दुकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। हमीरपुर जिला के गलोड़ पुलिस चौकी में स्थानीय दुकानदारों ने एक प्रवासी दुकानदार पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, दर्जनों दुकानदारों ने पुलिस चौकी गलोड़ पहुंचकर नारेबाजी भी की। वहीं युवक को पकड़कर पुलिस चौकी गलोड़ भी लाया गया, जहां पर युवक ने भी आरोपों को माना है, जिस पर व्यापार मंडल के द्वारा आगामी 15 दिनों में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दुकानदार को सुनाया है। बता दें कि गलोड़ पुलिस चौकी में स्थिति उस समय तनावपूर्ण होगी जब स्थानीय व्यापार मंडल के 40 से 50 स्थानीय व्यापारियों ने चौकी के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। गत रात्रि गलोड़ बाजार में किराए की दुकान में चाइना मार्केट चलाने वाले एक युवा जाहिद रजा को कुछ लोगों ने एक सुनसान जगह पर चहलकदमी करते हुए देखा। जब उसे इन लोगों ने पूछताछ शुरू की तो ये युवा व्यापारी वहां से भागने लगा, मगर इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। जब इसका फोन इन लोगों ने देखा तो उसमें स्थानीय कुछ महिलाओं की इसके साथ चैटिंग हो रही थी और कुछ फिक्सिंग चल रही थी। साथ ही महिलाओं को अश्लील सामग्री भी मोबाइल फोन में पाई गई है, जिसके कारण युवाओं ने सुबह ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास चले गए। व्यापार मंडल के प्रधान कमल सोनी ने बताया कि प्रवासी युवक को आगामी 15 दिनों में दुकान खाली करके जाने के लिए व्यापार मंडल ने अल्टीमेटम दिया है। सोनी ने कहा कि यहाँ का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, देवभूमि को भी शर्मसार नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारी विशाल ने बताया कि प्रवासी युवक कई दिनों से शक के घेरे में चल रहा था और आज लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस चौकी के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने बताया कि वे चोरी के एक सिलसिले में अन्य अधिकारियों के साथ फील्ड में है, मगर उन्हें इस मामले की सूचना मिली है कि पुलिस ने इस मामले पर अपनी आगामी कार्यवाही जांच और कार्यवाही शुरू कर दी है। गलोर से एस टुडे के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने थोड़ा गलत कार्य किए हैं, लोगों में इधर रह करके तो अश्लीलता फैला रहे हैं, तो पकड़े भी गए। ये कौन लोग थे? ये यूपी से दारी है, ये यूपी बिहार के। हाँ जी, हाँ जी। ये किराए की दुकान में करते हैं यहाँ पर? किराए की दुकान में रह रहे हैं और काफी समय से इन्होंने दुकानें भी ले रखी हैं और आईडी कार्ड भी नहीं बनवाया है इन्होंने। तो आज जब पकड़े गए हैं तो हमने इनको बोल दिया कि आप जाओ यहाँ से, और इन्होंने माफी मांगी है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने गलत काम किया है, ये गलत कामों में संलिप्त है इस क्षेत्र में? बिल्कुल सही माना इन्होंने। अच्छा, तो आज व्यापार मंडल ने क्या फैसला किया? व्यापार मंडल ने ये फैसला किया, सभी ने मिलके, व्यापार मंडल नहीं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ हैं इलाके के, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है इनको यहाँ से भेज दो। ये समस्या ऐसी है कि जैसे कि हम सब दुकानदार और व्यापार मंडल के जितने भी लोग हैं, हम इस कारण पहुँचे हैं कि ये जो कुछ दो दुकानदार हैं, इन्होंने अश्लीलता फैलाई हुई थी लोकल एरिया में और मार्केट में, तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था और इनकी अगली कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब यूपी बिहार के रहने वाले, यहाँ का तो कोई नहीं है, कि किसी के पास रेंटी भी नहीं मिली, 10-10 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपने उन्होंने खुद बोला वहाँ पे पुलिस को कि हमारे रेंटी भी नहीं 10 साल से। क्या अश्लीलता फैला रहे थे ये? क्या आपने क्या देखा? ये अश्लीलता तो पुलिस हैंड ओवर करी है हमने।